परमेश्वर का पवित्र वचन मुझे सही राह दिखाता है और परमेश्वर का प्यार के बारे में बताता है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। हम बात कर रहे हैं परमेश्वर की आज्ञाओं के विषय में और उस आज्ञाओं के विषय में जो परमेश्वर ने स्वयं अपनी उंगली से लिखी। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपका आज्ञाओं की इस श्रृंखला में स्वागत है और हम बात कर रहे हैं खास तौर से चौथी आज्ञा के विषय में। और चौथी आज्ञा का आज हम बात करेंगे छठे भाग के ऊपर, और छठा भाग जो है वो उसमें हम सीखेंगे कि
कि क्या नए नियम में सबत का पालन हुआ या नहीं, या सबत का पालन किसने किया या किसने नहीं किया है, क्या नए नियम के अंदर सबत समाप्त हो चुका है। ऐसी बहुत सी बातें जो हैं हम सीखेंगे। परमेश्वर का वचन ये कहता है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत सी बातें हैं जो हम जानना चाहते हैं। बहुत से ऐसे सवाल आपको मिलेंगे इस नए नियम में जिनका खुलासा किया जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग समझना नहीं चाहते हैं। जैसे कि मैं अपने पिछले संदेश में कह चुका हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं समझना चाहते हैं कि ताकि वो खुद भी प्रवेश नहीं करते हैं परमेश्वर के राज में और दूसरों को भी करने नहीं देना चाहते हैं। वो सिर्फ अपनी ही बातों को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। वो चाहते हैं कि हमने जो पढ़ा है, हमने जो सीखा है, वो ही श्रेष्ठ है। मगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपसे ये नहीं कहना चाहता हूँ जो मैंने पढ़ा है, मैं आपसे ये नहीं कहना चाहता हूँ जो मैंने सीखा है आप उसको माने, बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर का वचन कहता है आप उसको माने और उसको सीखें और उसका पालन करने की कोशिश करें। यदि नहीं करते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो फिर बहुत गलत बात है। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। यहां पर लिखा हुआ है कि व्यवस्था आज भी पूरी होती है, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं। कैसे पूरी होती है, मैं रोमियो की पत्री और उसका 13 अध्याय आपको पढ़ाना चाहूंगा, और उसका 8वें पद में लिखा हुआ है। रोमियो 13 अध्याय उसके 8 पद में यहां लिखा है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। क्या कहेंगे आप? आप व्यवस्था का पालन नहीं करते? यदि आप प्रेम करते हैं तो आप व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। यदि आप अपने शत्रुओं से भी प्रेम कर रहे हैं तो आप व्यवस्था का पालन कर रहे हैं। यहां पर बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि जो प्रेम करता है और जिसने प्रेम किया है उसने व्यवस्था का पालन किया है। और परमेश्वर का वचन कहता है, इसका 10वां पद और पढ़ देना चाहता हूं, यहां क्या लिखा है, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। जी हां, पड़ोसियों की कोई बुराई नहीं करता प्रेम, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था का पालन करना है। अब आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे, या उन लोगों से पूछना चाहूंगा, या आप उन लोगों से पूछें जो आपके घरों में आकर यह कहते हैं कि व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, व्यवस्था यीशु मसीह ने समाप्त कर दी है। क्या सही में समाप्त कर दी है? यहां तो पौलुस कह रहा है कि यदि आप प्रेम कर रहे हैं तो आप व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं। प्रेम क्या एक दिन किया जाता है, या एक दिन करके व्यवस्था पूरी हो गई, समाप्त हो गई बस? मगर जब तक आपका जीवन है, आपके जीवन के अंदर यह प्रेम बना होना चाहिए, क्योंकि यह प्रेम जो है वो परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है। आप देख लीजिए, 1 कुरिन्थियों 13 अध्याय पढ़ेंगे, यदि आप प्रेम ना रखें तो आप कुछ भी नहीं है, आप ठनठनाते हुए पीतल और झनझनाती हुई झांझ हैं। आप कितने भी धर्म के काम कर लीजिए, यदि आप प्रेम नहीं रखते हैं, आपके जीवन में प्रेम नहीं है, आप किसी से प्रेम नहीं करते हैं, तो आप व्यवस्था को पूरा नहीं कर रहे हैं। और जो इस प्रेम की व्यवस्था को पूरा नहीं कर रहा है वो परमेश्वर के राज का वारिस नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है परमेश्वर के राज का वारिस। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें सोच समझ के बोलना चाहिए। क्या हमें हम व्यवस्था का पालन कर रहे हैं या नहीं, क्या व्यवस्था आज भी है या नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं, और वो कहता है कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाएगा, व्यवस्था से एक मात्रा एक बिंदु भी पूरा हुए समाप्त नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए व्यवस्था विवरण में कुछ बातें देखते हैं। व्यवस्था और सबत दो अलग अलग चीज हैं। व्यवस्था और सबत की बात कर रहे हैं, सबत का मतलब व्यवस्था और 10 आज्ञाओं की बात कर रहे हैं। लोग अक्सर इसको व्यवस्था में जोड़ देते हैं, परंतु जो लोग इसको व्यवस्था में जोड़ देते हैं वो गलत हैं। आइए मेरे साथ निकाल लीजिए, मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा। यहां लिखा हुआ है व्यवस्था की पुस्तक और उसका 31 अध्याय और उसका 24 और 26 पद, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, 31 अध्याय उसका 24 और 25 पद 26 पद में, तब मूसा इस व्यवस्था के वचन को आदि से अंत तक पुस्तक में लिख चुका, तब उसने यहोवा का संदूक उठाने वाले लेवियों को आज्ञा दी, व्यवस्था की इस पुस्तक को लेकर
अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक के पास रख दो कि ये वहाँ तुझ पर साक्षी देती रहे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि जब परमेश्वर मूसा से व्यवस्था लिखवा रहा था और जब वो व्यवस्था की बातों को लिख चुका, तब मूसा ने सीनै पर्वत से उतरकर उस व्यवस्था की पुस्तक को किसको दिया? लेवियों को। कौन से लेवियों को? लेवी तो बहुत थे, परंतु विशेष करके उन लेवियों को जो वाचा के संदूक को उठाते थे, और उनको ये आज्ञा दी कि इस व्यवस्था की उस पुस्तक को ले जाकर कहां पर रख दो? वाचा के संदूक के पास। जी हां, जब वो व्यवस्था की पुस्तक वाचा के संदूक के पास रख दी गई तो कितनी चीजें हो गई। मान लीजिए ये जो है वाचा का संदूक है और ये जो है ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था की पुस्तक वाचा के संदूक के पास रख दी गई। वाचा के संदूक में क्या था? 10 आज्ञाएं थी। जी हां, उसके अंदर परमेश्वर के हाथों के द्वारा लिखी गई 10 आज्ञाएं थी। उन 10 आज्ञाओं के संदूक के पास ये व्यवस्था की पुस्तक रख दी गई। कितनी चीजें हो गई, यानी व्यवस्था अलग हो गई और 10 आज्ञाएं अलग हो गई। और 10 आज्ञा में जब हम सबत की बात करते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि यह तो व्यवस्था की बात है। जब हम सबत की बात करते हैं तो लोग कहते हैं ये तो इसराइलियों को मिला। आज हम अपने घरों में भी 10 कमांडमेंट्स यानी 10 आज्ञाओं को लिखकर टांगे रखते हैं। हम अपने बच्चों को संडे स्कूल में या सबत स्कूल में ये 10 आज्ञाओं को सिखाते हैं। हम बड़े खुश होते हैं जब हम देखते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चों को 10 आज्ञाएं पूरी रटी होती हैं। कोई भी पास्टर घर में आता है, कहता है पास्टर साहब इसे सुनिए, मेरे बच्चे को पूरी 10 आज्ञाएं मालूम है। क्यों 10 आज्ञाएं सिखाता है? क्यों उस व्यवस्था को सिखा रहा जो समाप्त हो चुकी? इसका मतलब वो व्यवस्था समाप्त नहीं हुई है। आप स्वयं उस 10 आज्ञाओं को मानते हैं, परंतु उसमें बहुत सी आज्ञाओं को आप नहीं मानते। खास तौर से बहुत सी आज्ञाओं को छोड़ दीजिए, आप उसमें 4थी आज्ञा का पालन ना खुद करते हैं और ना दूसरों को करने देते हैं। ये कहां से आ गई कि सारी आज्ञाओं तो सही हैं, आप चोरी ना करना। हाँ ठीक है, परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर की आज्ञा में लिखा है हमें चोरी नहीं करना चाहिए, झूठी गवाही नहीं देना चाहिए। जी हाँ, 10 आज्ञाओं में लिखा है आप व्यभिचार नहीं करना चाहिए। जी हाँ, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, खून नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें हम मानते हैं, फिर सबत को क्यों नहीं मानते? हम इस बात को मानते हैं एक परमेश्वर है, उसे छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। हम इस बात को मानते हैं कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करना चाहिए। हम इस आज्ञा को भी मानते हैं कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना चाहिए। जब हम सारी आज्ञाओं को मानते हैं तो एक आज्ञा को क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने इस संसार के लोगों से समझौता कर रखा है, कहीं ना कहीं हमने इस संसार के लोगों से अपने आप में अपने जीवन को चलाने के लिए और कमाई का साधन बना रखा है। इसलिए हम सबत को इग्नोर करे रहते हैं, इसलिए हम सबत को सामने नहीं लाते। हमारी आत्मा मानती है कि हाँ सबत जो है वो सैटरडे ही है, परंतु हम उसका पालन इसलिए नहीं करते कहीं हमारे अर्निंग के साधन बनना हो जाए, कहीं हमारे अधिकारी हमसे नाराज ना हो जाए। आप मनुष्यों को दिखाने के लिए सबत का पालन नहीं करते, मनुष्यों को खुश करने के लिए सबत का पालन नहीं करते हैं। मगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या परमेश्वर आपकी इस बात से खुश है या नहीं? क्या परमेश्वर जो है आपसे प्रसन्न है या नहीं है? अगर नहीं है, आप परमेश्वर को खुश करें, लोगों को खुश ना करें, आप सबत का पालन करें। जब आप पूरी 9 आज्ञाओं से आप समझौता करते हैं, आप 9 आज्ञाओं को मानते हैं और आप ये सहमत हैं 9 आज्ञाओं से जो और 9 आज्ञाएं, तो फिर 4थी आज्ञा जो सबत की है उससे सहमत क्यों नहीं है? उसको व्यवस्था के साथ, उसको इसराइलियों की व्यवस्था के साथ, उसको समाप्त के साथ क्यों जोड़ देते हैं? इसका मतलब हम खुद कहीं ना कहीं गलत हैं। और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि सबत जो है, आज्ञाएँ जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग है। मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या सबत मनुष्यों के लिए है? इस बात पे भी मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगा। बहुत से लोग, पहले मैं उस पद को निकालना चाहूँगा, मरकुस 2 अध्याय मेरे साथ निकाल लीजिए और उसका 27 पद। जी हाँ, मरकुस 2 अध्याय, आज कुछ बातों का जवाब मैं आपको देना चाहूँगा। यहाँ लिखा है मरकुस 2 अध्याय और उसके 27 पद में,
तब उसने उनसे कहा, सबत का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सबत के दिन के लिए। मुझे समझ में नहीं आता कि लोग इसको किस तरीके से समझते हैं और किस तरीके से लोगों को समझाते हैं। यहाँ लिखा है सबत का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया है, सबत मनुष्यों के लिए नहीं बनाया गया है। हम इस सबत के दिन को हम इस तरीके से कहेंगे कि मोबाइल मनुष्य के लिए बनाया गया है, मनुष्य मोबाइल के लिए नहीं बनाया गया है। यानी मनुष्य मोबाइल के लिए बनाया गया है, मनुष्य जो है मोबाइल जो है वो मनुष्य के लिए बनाया गया है। यानी मनुष्य जो है उस मोबाइल को कैसे यूज़ करना है, कैसे उसके बटन दबाने हैं और कैसे उसके अंदर सब नाम फीड करने हैं, किसके नाम फीड करने हैं ये, और कौन सी कॉल उठानी है, कौन सी रिसीव करनी है, कैसा मैसेज भेजना है, ये सब मनुष्य को पता है। इसलिए मनुष्य उस मोबाइल को यूज़ करेगा कि उसको कैसे यूज़ किया जाए। परंतु मोबाइल जो है वो मनुष्यों के लिए नहीं है, सॉरी मोबाइल मनुष्यों के लिए, मनुष्य मोबाइल के लिए नहीं है कि मोबाइल मनुष्य से कहेगा अरे मुझे ऐसे दबाओ, इसमें ऐसे एसएमएस करो और इस बटन को ऐसे दबाने से ये हो जाता है, इस बटन को ऐसे दबाने से ये कार्य होता है, मोबाइल नहीं कहेगा। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से मनुष्य सबत के लिए बनाया गया है, क्योंकि मनुष्य इस लाइन को देखें, मनुष्य जो है वो सबत के लिए बनाया गया, पहले ये कहा गया है। क्यों? कि मनुष्य ही सबत को पवित्र रख सकता है, मनुष्य ही सबत का पालन कर सकता है, मनुष्य ही सबत में परमेश्वर की आराधना कर सकता है, मनुष्य ही सबत में परमेश्वर की उपस्थिति को का एहसास कर सकता है, मनुष्य ही सबत की पवित्रता को ग्रहण कर सकता है, मनुष्य ही सबत की आशीषों को ग्रहण कर सकता है। ना कि सबत मनुष्यों के लिए बनाया है। सबत नहीं कहेगा आओ आज परमेश्वर की आराधना का दिन है, तुम लोग इसमें प्रवेश करो, आज तुम लोग चर्च जाओ, आओ आज मैं मेरे अंदर पवित्रता है उसको ले लो। सबत नहीं कहेगा आओ मेरे अंदर आशीष है उसको ले लो। सबत नहीं कहेगा। जो चीज़ मनुष्यों के लिए बनाई गई है वो मनुष्यों के लिए है। संसार की कोई भी चीज़ें हमसे आकर नहीं कहेंगी, पेड़ पौधे नदी नाले जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि ये सब हमारे यूज़ के लिए बनाई गई। इसका यहाँ पर ये कहने का मतलब है, मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा कि सबत का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया है। यानी सबत का दिन यानी मनुष्यों के लिए बनाया गया है, यानी सबत को कैसे यूज़ करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये मनुष्यों के ऊपर निर्भर करता है। ये सबत के ऊपर निर्भर नहीं करता है कि सबत इस बात पे निर्भर करे कि उसको कैसे पवित्र रखा जाए, कौन मनुष्य उसको पवित्र रखेगा, कौन नहीं रखेगा और कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसको तोड़ने और मरोड़ने की कोशिश ना करें, इसको समझने की कोशिश करें कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है। और यहाँ पर लिखा कुलुसियों 2 अध्याय उसके 16 पद में लिखा हुआ है, बहुत सी चीज़ें लिखी हैं मगर मैं बताना चाहूँगा, वहाँ लिखा सबत और का कोई भी फैसला ना करे, क्योंकि इसका फैसला हो चुका है, इसका न्याय हो चुका है और परमेश्वर ने निर्धारित कर दिया है। इसलिए इसका कोई फैसला ना करे, जो परमेश्वर का वचन इस बात को बता रहा है और हमें उसी तरीके से मानना चाहिए। अब इसका 28 पद में पढ़ना चाहूँगा, यहाँ 28 पद में लिखा हुआ है, इसलिए मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी स्वामी है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि इसको कहकर लोग जो हैं कैसे मतलब एक गलत रास्ते में लोगों को डाल देते हैं कि मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी स्वामी है। मनुष्य का पुत्र किसको कहा गया है? यीशु मसीह को। यानी यीशु मसीह सबत के दिन का भी स्वामी है। इसमें कौन सी गलत बात है? सबत उसी ने बनाया है और सबत उसी के द्वारा सिरजा गया है। वो सबत का स्वामी का मतलब मालिक, वो मालिक है, हम मालिक नहीं है। अगर यीशु मसीह सबत का स्वामी है तो हम अपने आप को सबत का स्वामी ना समझें। सबत के स्वामी का मतलब क्या होता है? कि वो सबत का भी मालिक है, हम नहीं है सबत के मालिक, क्योंकि सबत उसने बनाया है। किसके लिए बनाया उसने? क्यों वो उसका मालिक बना? चलिए हम इस सवाल को भी खड़ा कर ही लेते हैं कि उसने वो सबत का मालिक क्यों है, क्यों सबत का स्वामी है, किसके लिए है, वो स्वामी किसका है? वो कहता ना पृथ्वी पर किसी को, मती की इंजील जब 23 अध्याय पढ़ेंगे उसमें लिखा पृथ्वी पर किसी को अपना स्वामी मत कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है और जिसका नाम है यीशु मसीह। जी हमारा एक ही स्वामी है, वह हमारा भी मालिक है क्योंकि उसने हमें भी बनाया है। वो इस सारे संसार का मालिक है क्योंकि उसने इस सारे संसार को बनाया है। वो अकेले सबत के ही मालिक नहीं है। अगर उसने ये कहा है कि वो सबत का भी स्वामी है तो इसमें गलत क्या है? हम कहते देखो यीशु मसीह ने कहा वो सबत का भी स्वामी है, मगर स्वामी होकर भी उसने सबत का पालन किया है। क्या आप जानते हैं
आइए देखते हैं लूका की इंजील उसका 4 अध्याय में वो ये बताना चाहता है कि मैं सबत का स्वामी हूँ और सबत का स्वामी होने के बाद भी मैंने सबत का पालन किया है। लूका 4 अध्याय उसका 16वां पद। फिर वे नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। जी हाँ, यहाँ लिखा हुआ है कि वो नासरत में आया जहाँ वो पाला पोसा गया था, परंतु जब उसके यहाँ जब वो अपने यहाँ गया तो वहाँ पर सबत पड़ा। जब सबत का दिन आया तो वो सबत के दिन लिखा हुआ है अपनी रीति के अनुसार आराधनालय में गया, वहाँ पर गया और वहाँ पर पढ़ने हुआ। कौन गया? वो स्वामी जो सबत का स्वामी है, वो उस सबत का पालन कर रहा है। वो ये बताना चाहता है कि मैं सबत का स्वामी हूँ और जब मैं स्वामी होकर सबत का पालन कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हम तो कह देते हैं कि अरे वो तो सबत का भी स्वामी है, वो तो सबत का भी मालिक है। बिल्कुल सही है, मगर इसमें घुमाने या फिराने वाली कौन सी बात है? इसमें लोगों को चकराने वाली कौन सी बात है? अगर हम लोगों को घुमा रहे हैं या लोगों को चक्कर में डाल रहे हैं तो हम परमेश्वर की संतान नहीं है। मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि हम जो हैं शैतान की संतान हैं, क्योंकि जब यीशु मसीह एक स्वामी होकर सबत का पालन कर सकता है तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते हैं? उसने कहां पर कहा कि सबत समाप्त हो चुका है? जी हां, उसने कहीं पर भी नहीं कहा। मैं आपको बताना चाहूंगा पौलुस के बारे में, प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 2 पद पढ़ेंगे तो वहां पर पौलुस के बारे में भी लिखा हुआ है कि वह अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में गया। कौन? पौलुस। वहां पर लिखा है कि अपनी रीति के अनुसार। कौन सी उसकी रीति थी? यहां पर यीशु मसीह भी कह रहा है कि अपनी रीति के अनुसार, यानी सबत उनकी रीति थी, उनकी अपनी परंपरा थी उसका पालन करना। और पौलुस की जो भी रीति थी, जो यीशु मसीह की रीति थी, वही पौलुस की रीति थी। और पौलुस ने जानते हैं कितनी मीटिंग करी है। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले डेट बताना चाहता हूं, 45 AD में अंताकिया में उसने 2 मीटिंग करी है सबत की। प्रेरितों के काम 13 उसका 14वां पद और 42 से 44 पद तक आप पढ़ेंगे। और फिलिपींस यानी 53 AD में उसने फिलिपी में करी है 1 मीटिंग सबत की। प्रेरितों के काम 16:12 से 13 तक आप अगर पढ़ेंगे, थलसनकियों में 53 AD में 3 मीटिंग करी हैं। प्रेरितों के काम 17 और उसके 1 से 2 पद में, और 54 में कुरंथियों में उसने 78 मीटिंग्स करी हैं सबत की। आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 18:1 से 4 और 11 पद तक, यानी टोटल उसने जो सबत की मीटिंग करी है 84 मीटिंग करी हैं। परंतु 60 AD में उसने त्रियास में 1 मीटिंग करी है। प्रेरितों के काम 20:5 से 12 पढ़ेंगे, कुल मिलाकर 85 मीटिंग हो गई, यानी 84 में से अगर एक निकाल दीजिए 83 मीटिंग जो हैं वो सब सबत की हैं, बल्कि 84 मीटिंग सबत की है और 1 मीटिंग जो है वो संडे को की उसने करी है, वो भी उसने चंदा लेने के लिए और प्रभु भोज के लिए उसने करी है। यहाँ परमेश्वर का वचन ये बताता है, और परमेश्वर के लोगों के लिए जो है वो एक सबत और भी बाकी है। यहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन ये कहता है कि कुलुसियों 2:16 से 17 पढ़ेंगे, सब जो है इसकी छाया मात्र है। किसकी? जो भी स्वर्गीय वस्तु हैं सब उसकी छाया मात्र है। पवित्र मंदिर है, उसकी छाया मात्र है, जो इस पृथ्वी पर पवित्र मंदिर था, ठीक है, जो स्वर्गीय मंदिर है। जब परमेश्वर ने तंबू बनाया, जब तंबू उसको तंबू का नक्शा उसको नमूना दिया गया, तो वो तंबू का जो नमूना था वो किसका था? स्वर्गीय मंदिर का था। जीवन का वृक्ष जो है आदन की वाटिका में था, वो उसकी छाया, वो स्वर्गीय जो वृक्ष है, जो स्वर्गीय जीवन का वृक्ष है वो उसकी छाया है। इसराइलियों का जो मन्ना है वो गुप्त मन्ना की छाया है, और भोर का जो तारा था, प्रधान जो स्वर्गदूत था, वो यीशु मसीह की का प्रतिरूप था। पृथ्वी का जो सबत है वो स्वर्गीय सबत है, और परमेश्वर का वचन ये कहता है, अतः जान लो परमेश्वर के लोगों के लिए एक और सबत बाकी है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इब्रानियों 4:9 हम पढ़ेंगे, वहाँ पर अक्सर लोगों को ये कहते सुना है, परमेश्वर के लोगों के लिए एक सबत और बाकी है। हमने कब का नहीं बाकी है, मगर परमेश्वर के लोगों के लिए जो सबत बाकी है वो कौन सा है और कैसे उसमें प्रवेश करेंगे,
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, इब्रानियों 9 आप पढ़ लेते हैं, परंतु इब्रानियों की पत्री और उसका 4 अध्याय का 10 और 11 पद नहीं पढ़ पाते हैं। आज मैं आपको वो पढ़ाना चाहूँगा, इसको पढ़ लीजिए। यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि जिसने सबत का विश्राम बाकी है उसके विश्राम में प्रवेश किया, उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करके करने का यत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उसके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। कौन से विश्राम में प्रवेश करने की बात कर रहा है? जी हाँ, जो स्वर्ग में सबत है, जो इस पृथ्वी पर हम सबत मना रहे हैं उसकी छाया मात्र है, उस सबत का पालन जो है जो स्वर्ग में मनाया जाएगा, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। तो हम उस सबत का पालन करें, और जब हम उस सबत का पालन करते हैं, हमारे लिए एक सबत और भी बाकी है। जब यीशु मसीह आएगा, जब वो बादलों पर आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा, तो हम उसके साथ, हम सरदूतों के साथ, हम सबत का पालन करेंगे। वो एक अलग सबत होगा जो स्वर्ग में मनाया जाएगा। इस पृथ्वी पर हम उस सबत को उस तरीके से नहीं मनाते हैं, उस सबत का आनंद उस तरीके से हमारे जीवन में नहीं होता है जिस सबत का आनंद परमेश्वर के राज में होगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, यदि आप उसके, जिन्होंने उसके विश्राम को पूरा किया है और उसके विश्राम में प्रवेश किया है, और बहुत से लोग जो आज्ञा ना मानकर उस विश्राम में प्रवेश नहीं करते हैं, इसलिए इब्रानियों की पत्री में वो कहता है कि आप प्रयत्न करें उसके विश्राम में प्रवेश करने का। कौन से विश्राम में? जो लोगों के लिए सबत बाकी है, और वो सबत जो है वो स्वर्गीय सबत है जिसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं, और जिस सबत को मनाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह लेने आ रहा है। जी हाँ, जब यीशु मसीह बादलों पर आएगा तो हमें ले जाएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो वंचित रह जाएंगे वो उस सबत के आनंद को कभी देख नहीं पाएंगे। जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, जो परमेश्वर के लिखे को काटेंगे, जो परमेश्वर के लिखे को नष्ट करेंगे, वो कभी परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम उस सबत का पालन करें, हम उस सबत की पवित्रता को बनाए रखें, हम उस सबत में प्रवेश करने का यत्न करें जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, और उस सबत की पवित्रता को बनाए रखें ताकि उस सबत में हम परमेश्वर की आशीषों को पा सकें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा, अपनी सामर्थ्य और शक्ति दे ताकि हम आपके सबत में आराधना कर सकें, और जिस आपका जैसे इंतज़ार है, ऐसे आप जब बादलों पर आएँ तो आपके साथ आपके राज में प्रवेश करें, और उस सबत में भी प्रवेश करें जिसमें प्यारे प्रभु जी हम आपके साथ आनंद मना सकें। ये सारी प्रार्थना धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन।